हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे और आपके बर्ड्स भी बहुत अच्छे होंगे। भाई, एक बार आपका फिर बजीज बर्ड्स केयर में स्वागत है। आज का जो वीडियो का टॉपिक है वो आपको सामने दिख रहा है। बजीज के मल्टी विटामिन्स के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जो मैं यूज़ कराता हूँ अपने बर्ड्स को। और कुछ मल्टी विटामिन्स यूज़ कराने की मुझे अभी तक किसी मल्टी विटामिन अभी मैंने यूज़ नहीं कराया अपने बर्ड्स को। तो अगर मैं कोई यूज़ कराऊंगा तो वीडियो ज़रूर बना करके डालूंगा। फ़िलहाल अभी तक की तो मैंने यही सब यूज़ कराया है। चलिए इनके बारे में बता देते हैं नए लोगों को। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये वो समुद्री फेना है। ये आपको किसी भी पंसारी की शॉप पर मिल जाएगा, ठीक है। समुद्री झाग या समुद्री फेना भी इसको लोग कहते हैं। और ये मेडिकल के तौर पर यूज़ होता है अपने यहाँ पर, मेडिकल मतलब दवाओं के तौर पे यूज़ करते हैं जिसको बताते हैं, मतलब कोई किसी बीमारी में यूज़ होता है। खैर, उसके बारे में मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन बजीज को इस में किस लिए यूज़ करते हैं, बजीज को इसलिए देते हैं कि उसके जो चिक्स निकलते हैं उनके बाल वगैरह जो बताते हैं लोग कि सर पे नहीं होते हैं, तो इसलिए इसको यूज़ कराया जाता है। और उससे इनके बाल वगैरह काफ़ी अच्छे और सही निकलते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर यूज़ कराएं अपने बर्ड्स को, ठीक है। और दूसरे पे आते हैं तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये है लाहौरी नमक। इसको लाहौरी नमक बोलते हैं। ये किसी भी शॉप पे, परचून की शॉप पे आराम से मिल जाएगा आपको। और क्या बोलते हैं, आप इसको ले करके रखें। और मैंने इसको देखा है, इसको बर्ड्स बहुत चाटते हैं, क्योंकि इससे होता क्या है कि इससे उनका डाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा बना रहता है। मतलब जो पेट में कीड़े वगैरह भी नहीं होते हैं, और लैट्रिन वगैरह मतलब एकदम जैसे कि हम लोग भी कभी कभी यूज़ करते हैं, उसी तरह से बर्ड्स को भी ये बहुत फ़ायदेमंद करता है। तो अगर आपने नहीं यूज़ कराया तो इसको यूज़ कराएं, उनके लिए अच्छा रहेगा। और नेक्स्ट है जो मैंने अभी यूज़ कराई है, ये वाइमरल है। वाइमरल, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना करके अलग से डाल रखी है, तो आप उसको देख सकते हैं। बाकी और एक जो मैं दूसरी चीज़ यूज़ कराता हूँ, जो कि बर्ड्स का मुख्य आहार है, ठीक है, आज उसको भी बात करेंगे। ये देखिए, जैसा कि भाई मैं तो इसको वीक में 2 से 3 बार यूज़ ज़रूर करा देता हूँ। मतलब डाइट के तौर पे 2 से 3 बार इसको ज़रूर देता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये काकून है। हमारे यहाँ पे इसको काकून बोलते हैं, और पाकिस्तान वगैरह में पता नहीं क्या किन्नी वगैरह शायद बोलते हैं, और हमारे यहाँ इसको काकून बोलते हैं। तो आप इसको भी यूज़ करा सकते हैं, और ये बहुत ज़्यादा सही रहता है। इसको मैं वीक में 2-3 बार तो यूज़ करा ही देता हूँ। अगर आप लोग इस बर्ड्स को नहीं यूज़ कराते हैं तो प्लीज़ आप भी इनको यूज़ कराएं, क्योंकि ये मुख्य आहार है। बाकी बर्ड्स ने ब्रीड किया है मेरे, उसकी वीडियो मैं नेक्स्ट बार बना करके डालूंगा। नेक्स्ट वीडियो जो होगी मेरी वो ब्रीड पर ही होगी। बाकी जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। एंड थैंक यू सो मच।